ये दुनिया है जो हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह मकूम है, हदीस शरीफ को मकूम के अल्लाह पाक की बारगाह में दुनिया की कदर और कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख लें अल्लाह ने क्या कुछ नेमत अल्लाह ने नसीब फरमा रखी है। अब ये जमीन है ना, ये जमीन देखने में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के पर्दों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों मन गंदम छुपा रखी है। ऐसी है नहीं, देखने में मिट्टी, लेकिन मिट्टी के पर्दों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों मन गंदम छुपा रखी है। चावल छुपा रखे हैं, सब्जियां छुपा रखी हैं, फल फूल छुपा रखे हैं, हर नेमत अल्लाह ने छुपा रखी है। देखने में मिट्टी और मिट्टी के पर्दों में सब कुछ, सारी नेमत अल्लाह ने मिला रखी है। जब यहाँ अल्लाह ने ये कुछ अता फरमा रखता है तो मेरा करूँ आखरत, इसके बारे में अल्लाह खुद फरमाए जन्नत है, उसकी बाग बहार का क्या आलम है, तो सबर से बाहर है, ये वहां जाकर अंदाजा हो। तो अल्लाह अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको अल्लाह अपनी रजा और खुशनुई से नवाजे कि दीन किसी का नाम है, फरमाए दीन रब को खुश करने का नाम है कि हम अपने अपने प्यारे मौला को खुश करें, जिंदगी के एक सांस में अल्लाह मियाँ को खुश करें, यहाँ हम खुश करें, आखरत में अल्लाह ताला ने खुशियों के समुंदर छुपा रखे हैं।